एवरीवन, मैं हूं अनम, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी क्लास 10 की पोएम अ टाइगर इन द जू, और मैं बात करूंगी सभी पोएटिक डिवाइसेस के बारे में भी। पोएट हैं जॉर्ज लेस्ली, एनिमल लविंग पोएट थे ये, एनिमल राइट्स के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। इनफैक्ट ये पोएम अ टाइगर इन द जू भी उसी बारे में है कि कैसा फील होता है एक टाइगर को जब उसे किसी केज में रखा जाता है या जू में रखा जाता है, तो क्या फ़र्क होता है जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहे या तो जू में रहे। तो इन दोनों चीज़ों को कंपेयर किया गया है, एक तरीके से कंट्रास्ट किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेंजा 1। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। He stalks in his vivid stripes. तो आपने देखा ही होगा कि एक टाइगर की बॉडी पे, उसकी स्किन पे कलरफुल स्ट्राइप्स होती हैं। Stalks means टहलना, पीछा करना या चलना। तो जो जू का टाइगर है, जिसे केज में रखा गया है, वो कहीं भी नहीं जा सकता, वो बस फ्यू स्टेप्स यानी कि कुछ कदम चल सकता है अपने केज में ही, अपने वेलवेट पैड्स पे। तो आपने देखा होगा कि वेलवेट जो फैब्रिक है वो काफ़ी, जो ये फैब्रिक है वेलवेट, ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। और सिमिलरली टाइगर के जो फीट होते हैं, उनके नीचे का जो हिस्सा होता है, वो जो पैड्स होते हैं उसके, वो भी काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। तो उसके पैड्स को यानी उसके पाँव को कंपेयर किया गया है एक सॉफ्ट फैब्रिक वेलवेट के साथ, कि वो अपने पैड्स पे धीरे धीरे चलता हुआ बस कुछ स्टेप ले सकता है क्वाइटली, बिना कुछ बोले अपने ही केज में। क्वाइट रेज, रेज मीन्स गुस्सा और क्वाइट मीन्स चुपचाप। तो एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन है कि वो चुप भी है और वो गुस्से में भी है। वो गुस्से में इसलिए है क्योंकि उसे एक केज में रखा गया है, और वो चुप इसलिए है क्योंकि ही इज़ हेल्पलेस, वो कुछ कर ही नहीं सकता इसलिए वो चुप है। स्टेंजा 2 में ये बताया गया है कि उसे कहाँ होना चाहिए। स्टेंजा 1 में बताया गया कि वो कहाँ है, वो एक केज में है, और अब हम बात करेंगे कि उसे कहाँ होना चाहिए था। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो उसे होना चाहिए था एक जंगल में जहाँ वो शैडो यानी कि लंबी सी ग्रास के पीछे छुपता, आराम से धीरे धीरे आता, और वाटर होल कि जहाँ पे तालाब है पानी का, जहाँ सब एनिमल्स पानी पीने आते हैं, वहाँ वो अपने शिकार का वेट करता, इंतज़ार करता ग्रास के पीछे छुप के, जहाँ पे प्लम्प डियर भी आता। प्लम्प मीन्स मोटा ताज़ा हिरन आता और जिसका वो शिकार करता। तो एक तरह से बताया गया है कि यही एक नेचुरल वे है एनिमल्स के रहने का उनके नेचुरल हैबिटेट में, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता जब उनको केज में रखा जाता है, जू में रखा जाता है। थर्ड स्टेंजा में बताया गया है ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, कि उसे क्या करना चाहिए था, जो जंगल के एज पे यानी उसके किनारे पे जो विलेजेस वगैरह बसे होते हैं, जो घर होते हैं, टाइगर को वहाँ जब टाइगर जाए और स्नार्ल करे यानी अपना गुस्से में आवाज़ निकाले, गुर्राए, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, जब अपने वाइट तीखे जो टीथ हैं उसके वो दिखाए और अपने शार्प क्लॉज दिखाए, अपने शार्प नाखून दिखाए, पंजे दिखाए, टेररिजिंग द विलेज, कि सबको डर जाना चाहिए टाइगर से। तो दिस इज़ हाउ इट शुड बी। टाइगर एक एक ख़ास तरह का एनिमल है जिससे दूसरों को डरना चाहिए, और यहाँ क्या हो रहा है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है कि टाइगर को ही पकड़ के केज में डाला गया है और टाइगर बेचारा हेल्पलेस है, वो अपने नेचुरल तरीके से नहीं रह पा रहा। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, वो एक ईंट पत्थर की बनी हुई सेल यानी कि एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है, उसे लॉक कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसमें स्ट्रेंथ तो बहुत है, वो ताकतवर तो बहुत है, पर वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो बार्स, वो एक तरह से पिंजरे के अंदर है। Stalking the length of his cage, ignoring visitors. वो बस अपने केज में कुछ स्टेप्स लेता है, चक्कर काटता है, और विजिटर्स, जो बहुत विजिटर्स आते हैं जो उसे तंग करते हैं एक तरीके से,
उनसे बचने की कोशिश कर रहा है. He hears the last voice at night, the patrolling cars. Patrolling cars means जो zoo में cars आती हैं, जो पहरा देने आती हैं, तो वो देर रात को उनकी voice सुनता है उन गाड़ियों के जाने की. ये एक तरीके से ये बताया गया है कि वो रात को भी चैन से नहीं सो पाता, रात भर वहाँ कुछ activity चलती ही रहती है. And stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. और वो टाइगर जो हेल्पलेस है, जो कुछ भी नहीं कर सकता वहाँ, वो बस रात को अपनी ब्रिलियंट आईज से आकाश में, स्काई में स्टार्स को तकता रहता है. तो काफ़ी बुरी हालत दिखाई गई है टाइगर की. और एक तरीके से पोएट यू नो, एक वो चाहते हैं कि लोग उनके बारे में सोचें, एनिमल्स के बारे में सोचें, उन पर दया करें और उनके राइट्स के बारे में सोचें, कि जैसे हमें फ्रीडम से रहने का राइट है, अधिकार है, सिमिलरली एनिमल्स को भी वैसा ही राइट होना चाहिए. तो ये है मैसेज इस पोएम का. अब बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस की. फर्स्ट है एंजॉयमेंट. स्टेंजा वन और टू की बात करेंगे पहले. एंजॉयमेंट मीन्स जब किसी स्टेंजा में किसी भी लाइन के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क ना हो तो उसे कहेंगे एंजॉयमेंट. एज यू कैन सी, फर्स्ट लाइन के बाद ही कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है. सिमिलरली सेकेंड पैराग्राफ में भी ऐसी लाइन्स हैं जिनके पास, जिनके बाद एंड में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो इसे कहेंगे एंजॉयमेंट. नेक्स्ट इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन मीन्स रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड. जब किसी कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट किया जाए उसे कहेंगे एलिट्रेशन. देखिए फर्स्ट लाइन, स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. स्टॉक्स, स्ट्राइप्स, स साउंड यहाँ रिपीट हुई है. और लास्ट लाइन में वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प पास, यहाँ पे प साउंड को रिपीट किया गया है, तो ये है एलिट्रेशन. नेक्स्ट इज मेटाफर. मेटाफर मीन्स कंपैरिजन. पैड्स ऑफ वेलवेट, यहाँ पे जो सॉफ्ट फीट हैं टाइगर के, जो बॉटम पार्ट है उसके उसके पैरों का, उसे कंपेयर किया गया है एक फैब्रिक वेलवेट से, कि जैसे वेलवेट सॉफ्ट होता है, सिमिलरली टाइगर के पांव भी बड़े सॉफ्ट हैं. तो क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है इसे कहेंगे मेटाफर. नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन. आप देख ही सकते हैं कि ही स्टॉक्स, ही शुड बी, यानी एनिमल्स के साथ जनरली यूज़ किया जाता है वर्ड इट, पर यहाँ जानबूझ के पोएट ने यूज़ किया है ही. एक तरीके से टाइगर को एक इंसान की तरह दिखाया गया है, एक पर्सोनिफाई करके दिखाया गया है कि उसकी भी फीलिंग्स हैं, उसके भी इमोशंस हैं. तो इसीलिए इस पोएटिक डिवाइस को हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरॉन. जब कोई कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स यूज़ की जाएं तो उसे कहते हैं ऑक्सीमोरॉन. अब आप देखिए इन हिज क्वाइट रेज. क्वाइट और रेज ये दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स हैं. क्वाइट रेज, अगर वो क्वाइट है तो वो यू नो गुस्से में कैसे हुआ, और अगर वो गुस्से में है तो वो क्वाइट कैसे हुआ, तो इसे कहेंगे कॉन्ट्राडिक्शन. नेक्स्ट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. अगेन नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट इज रेपिटेशन. आप देखिए जो वर्ड है क्वाइट उसे दो बार यूज किया गया. ट्रांसफर्ड एपिथेट हमने डिस्कस नहीं किया, तो ट्रांसफर्ड एपिथेट, यहाँ ट्रांसफर्ड एपिथेट भी यूज हुआ है. क्वाइट रेज, असली में क्वाइट कौन है? क्या गुस्सा अपने आप में क्वाइट है? नहीं. चुप कौन है? चुप है टाइगर. तो जो वर्ड क्वाइट है वो यूज होना चाहिए था टाइगर के साथ, बट पोएट ने यूज किया है रेज के साथ. तो क्योंकि इस एडजेक्टिव का ट्रांसफर हुआ है इसे कहेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट. नेक्स्ट इज रेपिटेशन. आप देख ही सकते हैं इस वर्ड को दो बार रिपीट किया गया है, तो इसीलिए इसे कहेंगे रेपिटेशन. थर्ड और फोर्थ स्टेंजा में एंजॉयमेंट, क्योंकि फर्स्ट लाइन के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है इसलिए इसे कहेंगे एंजॉयमेंट. नेक्स्ट है एलिट्रेशन. आप देखिए बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. लॉक्ड कॉन्क्रीट, तो यहाँ पे क साउंड एक तरीके से रिपीट हुई है. और नेक्स्ट लाइन में हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बिहाइंड बार्स, ब साउंड यहाँ रिपीट हुई है, तो इसे कहेंगे हम एलिट्रेशन. नेक्स्ट इज ऑनोमेटोपिया. जब कोई ऐसा वर्ड यूज किया जाए जो किसी साउंड को डिस्क्राइब करता है उसे कहेंगे ऑनोमेटोपिया. आप देखिए फर्स्ट लाइन में ही स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस,
यहाँ पे जो वर्ड है गुर्राना यानी स्नालिंग, ये यूज़ किया गया है टाइगर की साउंड को डिस्क्राइब करने के लिए, तो ये कहेंगे इसे ऑनोमेटोपिया। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। अगेन जैसा कि हमने डिस्कस किया पिछले स्टेंजाज में, इट की जगह पोएट ने यूज़ किया है ही। एक तरीके से टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है, उसे एक इंसान की तरह दर्शाया गया है, इसलिए इसे कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। लास्ट स्टेंजा में फर्स्ट डिवाइस है एंजामेंट, क्योंकि कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है थर्ड लाइन के बाद। फिर है पर्सोनिफिकेशन, सिमिलरली जो हमने डिस्कस किया, ही हियर्स और एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, तो ही का यूज़ किया गया है इट की जगह, तो ये है पर्सोनिफिकेशन। अगेन रेपिटेशन, ब्रिलियंट जो वर्ड है इसे दो बार रिपीट किया गया है, तो ये हो जाएगा रेपिटेशन। एलिट्रेशन भी है फर्स्ट लाइन में ही, ही हियर्स, हर साउंड को यहाँ रिपीट किया गया है, इसे कहेंगे एलिट्रेशन। राइम स्कीम है ए बी ए बी, स्ट्राइप्स जो है वो मैच कर रहा है क्वाइट से और केज मैच कर रहा है रेत से, तो राइम स्कीम हो जाएगी ए बी ए बी। और सिमिलरली आप दूसरे स्टेंजाज का राइम स्कीम भी बना सकते हैं। एक और पोएटिक डिवाइस जो थ्रू आउट द पोएम यूज हुई है वो है इमेजरी। इमेजरी मीन्स ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना जिससे रीडर के माइंड में पिक्चर्स क्रिएट हों या इमेजेस क्रिएट हों उस पोएम को पढ़ने के बाद। तो जाहिर सी बात है जब हमने ये पोएम पढ़ी तो हमारे माइंड में एक पिक्चर सी क्रिएट हुई टाइगर की, जो कि केज में बंद था। तो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से पोएट ने इस पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है, इमेजरी का यूज़ किया है। सो दिस इज़ इट, आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। आप इंग्लिश ट्रांसलेशन भी ज़रूर सुनिए जो मैंने अपलोड किया है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में आंसर्स लिखने में। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।